विश्व पर्यावरण दिवस समूचे देश प्रदेश में मनाया जा रहा। इसी के माध्यम से नूरपुर ब्लॉक के रोज पब्लिक स्कूल सलियाली के बच्चों ने पोस्टर पर पर्यावरण बचाने के संदेश लिखकर बैनर लेकर स्कूल प्रांगण से रैली निकाली, जिसमें पेड़ों से वायु से आयु ने नारों के साथ संदेश देने का प्रयास किया। अगर पेड़ होंगे तो हवा होगी तो उम्र होगी तथा प्रत्येक व्यक्ति को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। पर्यावरण दिवस के अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने कविता के माध्यम से पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरे विश्व और हमारे देश में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य पर आज हमारे विद्यालय में हमारे डिस्ट्रिक्ट के फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को बुलाया गया था। उसी के उपलक्ष्य पर उन्होंने हमें आज बहुत सारी सीख दी कि हमें एनर्जी कैसे सेव करनी चाहिए, हमें पानी कैसे बचाना चाहिए और वन यूज प्लास्टिक का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, कि वह कैसे हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। इतना ही नहीं, हमने यह भी प्रण किया है कि जितना भी कचरा हमें हमारे आसपास पड़ोस में दिखाई देता है, हम उसे ज़रूर उठाएंगे और जो उससे जितना भी कचरा है हमारे एरिया में, हम जो भी लोग वहाँ रहते हैं अपने एरिया में, उनको ज़रूर बताएंगे कि हमें क्यों कचरा नहीं फैलाना चाहिए और उनको इसके प्रति जागरूक करेंगे कि कैसे कचरा हमारे पूरे के पूरे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। और इतना ही नहीं, हमने यह भी प्रण लिया है कि जितना ज़्यादा हो सके हर दिन हम ज़रूर एक ना एक पेड़ ज़रूर लगाएंगे और साल में कम से कम 10-12 पेड़, या फिर आपके इतना ही नहीं, अगर ज़्यादा नहीं तो आपके जो जन्मदिन है उस पर आप कम से कम एक पेड़ तो ज़रूर ही लगाएं। धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय ने एक नई अनूठी पहल का अनावरण किया, जिसके तहत महीने के हर अंतिम शनिवार को जितना भी प्लास्टिक वेस्ट बच्चे अपने घरों से ला सकते हैं उसको वे स्कूल में जमा करवाएंगे, फिर स्कूल प्रबंधन द्वारा उसको एक सही जगह पर रिसाइकल करवाने के लिए दे दिया जाएगा। इसी के साथ बच्चों ने एक और प्रण लिया, जिसके तहत वे कोल्ड ड्रिंक पीने से बहिष्कार करेंगे, उसको पीने से मना कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक स्वस्थ वातावरण और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का प्रण लिया। इसके साथ ही मैं भी और हम सब स्कूल द्वारा आप सभी को यही प्रेरित करेंगे कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और वातावरण को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। धन्यवाद। आज क्योंकि जैसा आपको विदित है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इसी कड़ी में हमने रोज़ पब्लिक स्कूल में आज बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया है और एक मिशन लाइफ जो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है गत वर्ष से, और लाइफ मिशन जो है, हम अलग अलग सराउंडिंग के स्कूलों में जा रहे हैं और बच्चों को पर्यावरण के कंजर्वेशन के लिए उनको जागरूक कर रहे हैं कि उनका क्या प्रयास हो सकता है और वो अपनी जीवन शैली को कैसे बदलें कि हमारे जीवन शैली के हैं जो पॉजिटिव इम्पेक्ट नेचर के ऊपर करें, क्योंकि बच्चे जो हैं एक बहुत अच्छा संदेश स्कूल के माध्यम से लेके जाते हैं और घर में जाकर वो बच्चे जो हैं अपने अभिभावकों को, समाज को बताते हैं कि हम आने वाला जो समय है बहुत चैलेंजिंग भरा आ रहा है और हमने अपनी सुंदर धरा को कैसे बचाना है, पेड़ पौधों की भाता को बताते हैं, जाके जागरूक करते हैं वहाँ पे जाके। और इसी कड़ी में आज हमने प्रधानाचार्य महोदय जो मेरे साथ खड़े हैं रोज़ पब्लिक स्कूल में आज ये कार्यक्रम रखा था और इसके लिए मैं सर आपका भी बहुत आभारी हूँ और आपके माध्यम से भी मैं निवेदन यहाँ की सराउंडिंग से करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमारी सराउंडिंग के वन भूमि है, जो वन नालाज हैं जंगल के, वहाँ बहुत ज़्यादा प्लास्टिक और ऐसे चीज़ें जो वेस्ट में वो वहाँ फेंकी जा रही हैं। कृपया अपना योगदान दीजिए इस नेचर को कंजर्व करने के लिए। मेरी सिर्फ विनम्र आग्रह आप सभी से। धन्यवाद। हिमाचल प्रेस न्यूज़ के लिए कांगड़ा से ब्यूरो संजीव महाजन की रिपोर्ट।